कह रहे ये दौर खत्म होगा पार्टी में, अभी हार्दिक जी भी चले गए, यही कहते हुए इसी तरह की चीजें कहते हुए। देखिए राजनीति में आना जाना तो लगा रहता है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाने के भी कारण हैं और आने के भी कारण हैं। अभी जाने का दौर चला है, और भी कुछ लोग जाएंगे। और भी जा रहे हैं? और भी जाएंगे, जाना भी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का दौर आता है, इतिहास साक्षी है, तो पाले खिंच जाते हैं, यानी कि लाइन खिंच जाती है। कांग्रेस के साथ वही रहेगा जो महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलेगा और सर्वधर्म संभाव की बात करेगा। अगर कोई कांग्रेस में सर्वधर्म संभाव और महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं होगा तो वो उसके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन हम सत्ता में आज नहीं हैं और भी अगले 10-15 सालों तक सत्ता से बाहर हैं, तब भी हम अपने उसूलों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। सत्ता के बिना पता कैसे लोगों को चलेगा कि आपके उसूल क्या हैं? हमारे उसूल हैं कि हम मानते हैं कि ये देश सबका है। हमारे उसूल हैं कि हम ये मानते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लोगों को सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये मानते हैं कि ये देश ना किसी एक जाति का है, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक भाषा का है। तो मैं कहना चाहता हूँ किशोर जी, और ये बहुत अच्छा है, ये सब बच्चे बैठे हैं, कि मंदिर मस्जिद और शिवाला, वाह वाह, मैं आपका भी सबका समर्थन चाहूंगा बच्चों, कि मंदिर मस्जिद और शिवाला, किसने किस पर डाका डाला, मंदिर मस्जिद और शिवाला, किसने किस पर डाका डाला, बच्चों की मुस्कान का सदका ये रखी तेरी कंठी माला, मंदिर मस्जिद। गुरुदेव मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपको पहले तो। कंठी माला वाला सब ठीक है, लेकिन चुनावों के परिणाम भी आए, चार पंक्तियां मेरी सुन लीजिएगा छंद के माध्यम से। जख्म बड़े गहरे हैं जो पंजाब से मिले हैं, यूपी ने भी फोड़ दिया छाला कांग्रेस का। जख्म बड़े गहरे हैं जो पंजाब से मिले हैं, यूपी ने भी फोड़ दिया छाला कांग्रेस का। वोटरों की छोड़ो, नेता भी दे रहे हैं तलाक। वोटरों की छोड़ो, नेता भी दे रहे हैं तलाक। छोड़ नहीं जाए सब पाला कांग्रेस का, छोड़ नहीं जाए सब पाला कांग्रेस का। और जुड़े ना प्रशांत पीके, जुड़े ना प्रशांत, हार्दिक हाथ छोड़ गए, जुड़े ना प्रशांत, हार्दिक हाथ छोड़ गए, कैप्टन को भाया नानने वाला कांग्रेस का। जुड़े ना प्रशांत, जुड़े ना प्रशांत, हार्दिक हाथ छोड़ गए, कैप्टन को भाया नानने वाला कांग्रेस का। और ऐसे ही रहे हालात तो ये बात तय है कि निकल ही जाएगा दिवाला कांग्रेस। वाह वाह वाह, ये नमकीन मरहम लगाया उन्होंने। करता हूँ आपको, मैं इन पे एक मुझे शेर याद आ रहा है बड़ा अच्छा, कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज। कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शेर पढ़ा आपने, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ गुरुदेव। ये थाम कर पंजा कांग्रेस वाला आगे बढ़े, पार्टी के विचारों से दुराव कैसे हो गया। अच्छा। थाम कर पंजा कांग्रेस वाला आगे बढ़े,
पार्टी के विचारों से दुराव कैसे हो गया, ज्ञानवापी मुद्दे पे समर्थन में बोल पड़े, ज्ञानवापी मुद्दे पे समर्थन में बोल पड़े, ग्रीन पर रेड का प्रभाव कैसे हो गया। कि पहले तो जाके ये प्रभाव अलग सा है, ग्रीन पर रेड का प्रभाव कैसे हो गया। पहले तो जाके आप हम दो नात पढ़ते थे, पहले तो जाके आप हम दो नात पढ़ते थे, यकायक शिव से जुड़ाव कैसे हो गया। ओ कांग्रेस जामा, ये सब समझ के सुन के आए बेटे। कि पहले तो जाके आप हम दो नात पढ़ते थे, यकायक शिव से जुड़ाव कैसे हो गया। ओ कांग्रेस जामा और मन भाजपाई हुआ, कहो गुरुजी ये बदलाव कैसे हो गया। गुरुजी एक तो बदलाव हो ही गया है, तो अगर आपके कहे अनुसार सरकार आपके फेवर में फैसला देती है तो आप एक काम जरूर करिएगा कि डालिए पिटीशन मिलाड के समक्ष सभी। मिलाड है जो है आज कि डालिए पिटीशन मिलाड के समक्ष सभी, मंदिरों मीनारों वाले तथ्य बोल दीजिए। ओ भड़काऊ हैदराबाद का आपने जिक्र किया, भड़काऊ भाईजान से हो जाए सावधान, कोई भी बयान मत गोल मोल दीजिए, कुतुब मीनार को बना लीजिए कल की धाम। कुतुब मीनार को बना लीजिए कल की धाम। भाई साहब हाँ भाई, धाम रहे तो ऊपर रहे, नीचे की क्या जरूरत है। कि कुतुब मीनार को बना लीजिए कल की धाम, लाल किले को भी आप नाप तोल दीजिए, और यदि ताजमहल के 22 कमरे मिले तो वहां कांग्रेस कार्यालय खोल दीजिए। ये काम हो सकता है। गुरुदेव हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। हमने सुना है कि यूपी में आपका दल अब बोले के धावा डटेगा, हार अनेक है झेल चुका अब जीतने का लेके दावा डटेगा, कोई लड़ाकू डटेगी नहीं लड़की ना ही शोर सराबा डटेगा, काबा की काट है बाबा तो यूपी में बाबा की काटे को बाबा डटेगा। काबा की काटे है बाबा तो यूपी में बाबा की काटे को बाबा डटेगा। प्रणाम बाबा जी। और अब सर हमें ये लगता है कि आपसे कुछ दूसरा काम देश को लेना चाहिए, जिस आप पराकाष्ठा के चिंतन के व्यक्ति हो, तो एक सवाल वहां से भी करता हूं सर। स्वागत। एक ये बात बताओ प्रभु, कब राम के नाम की माला जपेंगे, कब तक सियासत। एक ये बात बताएं प्रभु, कब राम के नाम की माला जपेंगे, साधु अनेक नपे सो नपे अब साधुओं के लगे चेले नपेंगे, खूब तपे तप ताप में आप तो काहे सियासत ताप तपेंगे, और सारे कुंवारे जो नेता बने तो ये ब्याहे बराहे कहाँ पे खपे। और सर अभी अभी हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, सब लोगों ने उसको सुना पढ़ा, बहुत अच्छा, ठीक है, सियासत है, राजनीति है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो उसमें भाषा लिखी, लैंग्वेज बहुत खराब है भाई साहब। अब बताइए, इतने बड़े नेता हैं कद्दावर कांग्रेस, उन पर कह दिया मोबाइल चलाते रहते हैं पूरे दिन, अब राहुल जी कोई छोटी बच्ची हैं क्या जो समझते नहीं है? बड़े नेता हैं, उन पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो एक सवाल वहां से भी, करते क्या है पूरी देर मोबाइल इतनी देर चलाते। बात बड़ी यही बोली पटेल ने, फोन पे वक्त सकेल रहे हैं, कोई नया आईफोन लिया कि पुराने से काम ढकेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट करें दिन भर या कि ट्वीट पे ट्वीट उड़ेल रहे हैं, गेम नया किया डाउनलोड की अब भी वो पोगो ही खेल। क्या करते रहते हैं पूरे टाइम मोबाइल।